ज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं ऐसे कौन से करंट अफेयर है कि जो आपके प्रिलियम्स के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं और एग्जैक्टली उनमें से भी क्या पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या पता होना चाहिए जस्ट टू मेक गुड गेसेज इनकेस अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है राइट तो टू द पॉइंट के अंदर शुरू करते हैं हम हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल ट्वेंटी इसमें बहुत कुछ है राइट जो आपको वर्ड्स ऑलरेडी पता दैट इज प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस कुछ भी शुरू करने से पहले इस टॉपिक के अंदर कि ये क्या है इस बिल के अंदर और कौन करेगा ये सब देखने से पहले लेट अस सी कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है जियो हेरिटेज साइट एंड जियो रेलिक्स का मतलब क्या है जियो हेरिटेज साइट क्या होते हैं साइट कंटेनिंग जियो रेलिक्स एंड फिनोमिना स्ट्रेटिग्राफिक टाइप सेक्शन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग केव नेचुरल रॉक स्कल्पर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड इंक्लूड सच पोर्शन ऑफ लैंड एट ज्वाइनिंग द साइट दैट सच पोर्शन ऑफ लैंड एट ज्वाइनिंग अगेन समथिंग इंपोर्टेंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर देयर कंजर्वेशन और जियो हेरिटेज साइट में इसने सब कुछ बता दिया नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को होना चाहिए और एनी फिनोमिना जियो रैलिक हो उसके अंदर या स्ट्रेटिग्राफिक टाइप सेक्शन हो मतलब स्ट्रेटीग्राफिक हो गया कि जहां पर आपको ना स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई दे रही है क्लियरली उसको बोलते हैं ये वॉट इज अलिक एनी रेलिक और मटेरियल ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरेस्ट लाइक सेडिमेंट्स फॉसिल्स और रेलिक का मतलब होता हैज पास्ट दी टेस्ट ऑफ टाइम कि बहुत कोई पुराना ऑब्जेक्ट है जो बहुत टाइम से पड़ा है उसको रेलिक कहा जाता है राइट तो एनी रेलिक और मेटीरियल ऑफ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरस्ट लाइक सेडिमेंट रॉक सो बेसिकली इसमें सब कुछ कवर हो गया जियो हेरिटेज साइट्स के अंदर आपके केव्स, नेचुरल रॉक स्कल्पर और लैंड फॉर्म्स और ये सब कवर में हो गए और एंड जियो रेलिक्स रेलिक्स के अंदर एनी ऑब्जेक्ट और एनी मटेरियल, एनी स्कल्पचर सेडिमेंट तो इसके अंदर जो है वो कवर हो गया तो बेसिकली एवरीथिंग दैट दर्थ अर्थ जियो मोर्फोलॉजी कैन गिव यू वो यहां पर है राइट right? ओके okay. तो तो ये तो है हमारा इसकी डेफिनेशन कि जियो हेरिटेज का मतलब क्या है और जियो रेलिक का मतलब क्या है अब हम देखते हैं आगे कि कि हुआ क्या है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्राफ्ट फॉर दिओ हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल ट्वेंटी ट्वेंटी विच डीम्ड नेसेसरी बाय सेवरल रिसर्चर्स वे पावर एंटायरली इन दी

और कभी कभी टॉपिक के डिमांड के हिसाब से कुछ पोर्शन जो है मेंस का भी कवर करते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए और आपको प्रीलिम के लिए भी थोड़ा बेटर समझ में आए सो प्री एंड एंड मेंस के लिए है इट इज अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट आप जहां पे भी हो आप इसको एक्सेस कर सकते हो ऑफलाइन सेंटर में आप आना चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं तो वहां पे भी, और भी आप लगा सकते हैं यू गेट थ्री थिंग्स इन दिस नंबर वन यू गेट अ क्लास नंबर टू यू यू गेट वीकली पीडीएफ एंड नंबर थ्री यू गेट वीकली टेस्ट सो इन तीन के कॉम्बिनेशन के साथ आई डोंट थिंक कि आपका जो करंट अफेयर्स वाला जो एक एक मॉड्यूल जिसकी टेंशन सी रहती है वो कभी फंसेगा दोबारा राइट सो क्लास हैपन्स ट्वाइस अ वीक सैटरडे एंड मंडे को है ना जिसके अंदर आपका जो प्रीवियस वीक का जो करंट अफेयर है हम उसको क्लास के अंदर जो है कवर करते हैं डिस्कस करते हैं और नोट्स बनाते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक के साथ में और क्या क्या एक्टिव होगा ताकि आप वीक के लिए भी तैयार हो जाए हमने पढ़ना क्या है और स्टैटिक पोर्शन में भी हमने क्या करना है दिस क्लास हाईलाइट दैट वीकली पीडीएफ अगेन पिछले जो एक हफ्ते की जो पूरा आपका मटेरियल होता है अलग अलग न्यूज़पेपर से कवर करके

पार्ट उससे भी पूछा जा सकता है अगेन उसका भी प्रिसाइज फॉर्म नंबर थ्री इन सबको फोर्टिफाई करने के लिए कंफर्म करने के लिए यू गेट वीकली टेस्ट ताकि आपका जो है साथ साथ रिवीजन होती रहे एंड इन तीन के बाद योर करंट अफेयर्स का जो आपका गेम है दैट इज डन यू आर गुड टू गो चलिए आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पे ये हमने देख लिया है कि ये कॉन्टेक्ट है न्यूज का अभी तक क्या था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ठीक है अभी भी यही करेगा पहले भी होता GSI पता था कि यार ये वाले मॉन्यूमेंट जो हैं इनको हमें हेरिटेज का स्टेटस देना चाहिए द द जीएसआई और स्टेट देन नेसेसरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट दीज साइट ठीक है एट प्रेजेंट देर आर थर्टी टू जियो हेरिटेज साइट स्प्रेड अक्रॉस थर्टीन स्टेट इन इंडिया तो दिस वीडियो लेंथ इज टू शॉर्ट कि मैं आपको इन साइट्स के बारे में भी बताऊं सो अगेन योर ड्यूटी आपका कर्तव्य यहां पे ये बनता है कि आप इसको साइट्स को जरूर देख लें कौन कौन सी साइट्स हैं आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि वाई दी साइट्स आर इंपॉर्टेंट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी नाउ वट द बिल्स ओके अब बिल का देखते हैं द बिल स्टेट दैट डिस्पाइट आइडेंटिफाइंग दी साइट देर आर कंसर्न ओवर देर प्रेजर्वेशन ठीक है जीएसआई आइडेंटिफाई तो कर रहा है और मे और मे नॉट स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है, है ना बट दीज आर नॉट इनफ

बिल वु वुड ऑथोराइज देंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ए जियो हेरिटेज साइट टू बी ऑफ नैशनल इंपॉर्टेंस अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यह एक्टली डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है और चार ऑप्शन देखे कौन करता है और देन वील पुट सेंट्रल गवर्नमेंट दिस वुड बी अंडर करेगा दिस वुड बी अंडर दी राइट टू फेयर कंपनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्सिजन रीहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन और इसको शॉर्ट में बोला जाता है गवर्नमेंट वुड स्पेल आउट वर टू बी एक्वायर्ड बाईट ऑब्जेक्शन टू दिस कैन बी रेस्ड विद इन टू मंथ इसका स्टैंडर्ड ही है सरकार का ये आपके कोई भी ऑफिशियल गैजेट में डालते हैं दो महीने तक का टाइम होता है उसके अंदर जो है अपने ऑब्जेक्शन इनपुट वगैरह सब डाल सकते हैं कंपनसेशन कैसे मिलेगी

अब इसके अंदर आप अगर आपकी वो एक्वायर हो गई है जमीन है ना जहां पे जियो रैलिक जो है या जियो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर होगी जीएसआई ने बोल दिया है कि ये वाली साइट अब ऐसी होगी उसके बाद में आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो ठीक है अब टेक्निकल भाषा में लॉ की भाषा में कैसे बोलेंगे इसको द बिल इम्पोजिज प्रोहिबिशन ऑन कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर और रेनोवेशन ऑफ एनी बिल्डिंग विद इन द जियो हेरिटेज साइट एरिया और यूटिलाइजेशन ऑफ सच एरिया इन एनी अदर मैनर एक्सेप्ट फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर प्रेजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ़ दी हेरिटेज साइट ठीक है पेनल्टीज भी है इसमें पेनल्टीज फॉर डिस्ट्रक्शन रिमूवल डिफेसमेंट और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई इन दी देरिटेज साइट आर मैं क्या है वो पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू सिक्स मंथ और बोथ एंड एडिशनल फाइन ऑफ अप टू थाउजेंड फॉर एवरी डे ऑफ कंटिन्यूंग्रावेंशन मे बी इम्पोज तो मतलब हैवी पेनल्टी है ये अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज नॉट समथिंग की कि इजी है ये फिर अप तो 50, ये अप टू काफी बड़ी अमाउंट है ये कि अगर आपने जीएसआई ने कुछ बोला है कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है इसको हटाना है या जो भी है तो उसके बाद में जो जीएसआई है पचास हजार रुपए जो आपके ऊपर पेनल्टी है वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर डे तक की जो जा सकती है अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा स्टैटिक है मेन तो नहीं मेन तो वही है करंट अफेयर है अल्टीमेटली स्टैटिक टॉपिक क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको करने के दो तीन तरीके थे आई चोज कि इसको ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल वे में लेके आते हैं बिकॉज यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि वो इस टाइप के टॉपिक में थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाता है राइट right? चलिए एक कमेटी स्टेबलिश हुई थी कमेटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोल एंड मिनरल रिसोर्सिस इन 1837 ठीक है द सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी जॉन मैकलेलैंड मेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट एच विलियम्स दो तीन नाम आएंगे यहां पे आप इसको जरूर नोट डाउन कीजिए वॉज द फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे अपॉइंटेड बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846 ठीक है कमेटी है कमेटी का सेक्रेटरी कौन जॉन मैकलेलैंड और उन्होंने फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे किसको अपॉइंट किया द फर्स्ट प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट एच विलियम्स राइट और किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 1846 में ठीक है आगे चलते हैं जॉन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज सर्वे ऑफ इंडिया अगेन समथिंग जो आपके प्री में पूछा जा सकता है इन इज रिपोर्ट इन 1848 ही डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज ऑफिशिएटिंग सर्वेयर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे टिल 1850 ठीक है अज्यूम कर ली पोस्ट वो वाली The Geological Survey of India was set up in 1851 primarily to find coal deposits for the railways. इसके ऊपर बहुत ही क्लियर कट सवाल बनता है जो कि आपके एग्जाम में 100% परसेंट आने के जिसके चांसेस हैं, वो यही है कि जीएसआई किस पर्पज से स्टेब्लिश किया गया था चार ऑप्शन होंगे टू मैप कंट्रीज मिनरल रिसोर्सिस है ना और कुछ भी ऑप्शन देके और उसमें से एक ऑप्शन ये होगा टू फाइंड कोल फॉर द ब्रिटिश रेलवे जो उन्होंने रेलवे स्टैब्लिश करी थी उसके लिए कोल फाइंड करने के लिए तो उसका आंसर यह है तो एनसीआर के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ तो आ, बाकी वैसे इस टाइप के सवाल जितने भी हैं आपको एनसीआर से मिल जाते हैं ये पर्टिकुलर चीज आपको एनसीआरटी में नहीं मिलेगी इट इज समथिंग जो आपको आउटसाइड रिसर्च करनी पड़ती है और करंट के थ्रू नेविगेट करके हम यहां पे पहुंचे तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर इसको याद रखिएगा करंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइनजी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था सो दैट इज़ ऑल ये दिस वॉज टूडेज़ टॉपिक एंड इसकी प्रॉबिलिटी पूछे जाने की इट इज़ लाइक सिक्सटी परसेंट फेयर फेयर इनफ आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखिए नोट्स को भी आप रिवाइज करते रहिए एंड पेलियंस इज अप्रोचिंग इट इज़ रियली 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 नियर तो आप लोगों ने घबराना नहीं है थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर करिए यू यू यूगाइ नो ऑलरेडी और रिविज़न आप अच्छी रखिए दिमाग को सही रखिए एंड all the best thanks for watching my name is rohit garcha and you're watching abhimanyu ias